क्या जो सरकारी तंत्र है सरकार ना क्या शासन में और कहाँ तक उचित आप मानते हो उस चीज को लेकर? नहीं, ये चीज बिल्कुल भी उचित नहीं है। जो भी मैटर था, वैसे जनरली यही होता है कि लोग इमोशंस में ही ये हो जाता है, शादी वादियों में भी लोग इमोशंस में कर देते हैं, बट डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये इसकी क्रिटिकलिटी उस टाइम पे शायद नहीं समझी गई संबंधित लोगों के द्वारा, तो इसी पे ही उन पे कार्रवाई की जाए। क्या मैम जब कार्रवाई सब होते हैं इनके? अभी हमने स्पष्टीकरण कॉल किया है, जब उनका स्पष्टीकरण आएगा तभी हमें सब चीज़ पता चलेगी उसके आगे बात। ये कौन थे मैम जिन्होंने फायरिंग की, कुछ अपनी जानकारी पता? ये हमारे ही तहसील के दो अमीन थे, तो उन्होंने करी है और इसलिए उन्हीं का ही हम जो भी कार्रवाई हमारे स्तर से होगी, तहसील स्तर से होगी, हम करेंगे। थैंक यू। कल शाम के समय रुड़की तहसील में एक अधिकारी के रिटायरमेंट के पार्टी में दो लोगों के द्वारा लाइसेंसी पिस्टल से हवा में फायर किए गए। इसकी सूचना मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस को प्राप्त हुई है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये तथ्यों के उपरांत स्पष्ट होगा और अगर वो दोषी हैं जिसमें उन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई की है तो उनके लाइसेंस निरस्तीकरण के प्रस्ताव भेजा जाएगा। ये वीडियो फुटेज अभी प्राप्त हुई है, उसे चेक किया जा रहा है कि कौन लोग वहाँ पर थे और किस तरह से फायर किया जा रहा है, और ये हवा में फायर करना खुद ही इस लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग है। उसमें तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।